हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बाहरी दीवार पर अगर 2x2 की टाइल्स से तब तक का ये तरीका चलेगा, इससे बड़ी टाइल्स है तो उसके लिए और तरीका है। मैंने बहुत पहले एक बाथरूम इंस्टॉल किया था, उस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो सीमेंट का पानी भर के। तो 2x2 की टाइल्स है तब तक आप इस तरीके से आप टाइल्स का इंस्टॉल कर सकोगे, क्योंकि बाहरी दीवार जो होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेदर इफेक्ट रहेगा। बारिश, धूप और सर्दी, तीनों मौसम बाहरी दीवार पर ज़्यादा असर करते हैं, उसमें ज़्यादा धूप और बारिश। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी लीकेज ना हो, टाइल्स कभी निकले नहीं और सदियों तक ये टाइल्स चिपकी रहे, क्योंकि बाहरी दीवार पर टाइल्स को चिपका के रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम ये काम को ज़रा आसान बनाते हैं। तो क्या क्या किया जा सकता है इस पर ये वीडियो है, पूरी डिटेल से ज़रूर देखें। टाइल्स के पीछे जो ये कंकर बिठा है उसमें बहुत सारे कंकर ऊपर होते हैं, तो जिसकी वजह से मसाला ज़्यादा चढ़ता है, मज़ा नहीं आता है और वो निकल भी जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो जो ऊपर ऊपर के कमजोर रहे होंगे, सभी दाने अच्छे से नहीं चिपकते हैं और जो नहीं चिपकते हैं वो ही ऊपर रहते हैं। जो कमजोर रहे होंगे, अच्छे से नहीं चिपके होंगे, वो निकाल देने हैं, बाकी के आप कुछ भी करोगे तो ये जो चिपक गए वो नहीं निकलेंगे, ये बहुत हार्ड होते हैं। जो ऊपर ऊपर के होते हैं वही निकलेंगे, ये हार्ड रहेंगे, ये नहीं निकलेंगे। ऐसे बड़े बड़े जो ऊपर रहे होते हो, जो कमज़ोर रहे होंगे, उसे निकाल देना है ताकि मसाला कम चढ़े और ये बड़ी आसानी से इंस्टॉलेशन हो जाए। इसमें कम से कम हर दो लाइन में एक 4 mm का प्रेशर रखना बहुत अच्छा है। इसकी वजह से वहाँ से जो गर्मी की वजह से धूप होगी, वो एयर का सर्कुलेशन होता रहता है, तो टाइल्स चिपकी रहने में बहुत ही हेल्प करती है। तो 4 mm का प्रेशर कम से कम 2 टाइल्स में रखना बहुत ज़रूरी है। हर टाइल्स में रखोगे तो शायद डिज़ाइन बिगड़ जाता है, इतनी लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। तो एक जॉइंट को आप जॉइंट लेस कर दो और दूसरे जॉइंट पर, यानी कि हर एक टाइल्स छोड़ के एक टाइल्स पर 4 mm का प्रेशर लगा दो, तो लुक वाइज बहुत बढ़िया दिखेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी टाइल्स चिपकने में स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, जल्दी से नहीं निकलेगी। 4 mm का प्रेशर रखने से धूप का असर कम हो जाता है। वीडियो की इम्पोर्टेंस बातें अभी बाकी है, वो वीडियो में हम आगे देखेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो मेन बात है वो मैं बाद में कुछ देर के बाद बताने वाला हूँ। ये सीन मुझे कुछ पहले दिखाना था तो इसलिए मैं पहले दिखा रहा हूँ। मेन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो बाद में करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इतना मसाला आया है, मैंने आगे टाइल्स में बोला था मसाला कम लेना है, लेकिन ज़्यादा लेने का कारण ये था, ये दीवार ख़राब थी यहाँ पर से। तो आप देख सकते हो, तो ये आप गैप देख सकते हो, इतना गैप है यहाँ पर, ये जितना कंकर है उतना ही मसाला है, एकदम कम से कम मसाला लिया गया है, आप देख सकते हो, फिर भी ये नहीं बैठ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मसाला है, बराबर है, इतना मसाला लेने के बाद यहाँ पर मसाला नहीं है, फिर भी ये टाइल्स नहीं बैठ रही है। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ होती है कंकर में, आप देख सकते हो यहाँ पर नज़दीक से हम ले लें, तो ये कंकर की वजह से टाइल्स निकालने पर आप देख सकते हो बिल्कुल ही वो नहीं रहता है, दीवार पर भी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल होती है। ये कंकर वाला खड्डा केकड़ा देखो आप, ओके। अब टाइल्स के पीछे कंकर कैसे चिपकाते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक इस तरीके से कंकर को सफ़ा किया जाता है, आपको पास अगर कोई फ़ैन है तो फैन चालू करके इस तरीके से धूल मिट्टी आपको निकाल देनी है। दूसरा तरीका ये है, कंकर को इस्तेमाल करने के 1-2 दिन पहले
सभी कंकर को हमें अच्छे से पानी से सफा कर लेना है। तो ये काली कंकर इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, ये कंकर बहुत ही बेस्ट है, जो हमारी टेरेजा की चिप्स आती है 00 या 0 नंबर, उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। दूसरा, ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। जो वाइट चिप्स आती है टेरेजा की, वो एक बोरी का 300 से 375 रुपये प्राइस है, और ये ट्रैक्टर के प्राइस में आती है। तो दोस्तों, इसी का इस्तेमाल करो, ये बढ़िया है। दूसरा, इसकी स्टेंट उससे कई गुना ज़्यादा है, हमने चेक किया है, हम वो भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमें ये काली चिप्स अच्छी लगी, सस्ती लगी, और इसका काम उससे कई गुना अच्छा लगा, इसलिए हम काली चिप इस्तेमाल करते हैं। काम वही करना है जो अच्छा है और सस्ता है। ज़्यादा पैसे बिगाड़ के काम करने का क्या मतलब, वही काम अगर उससे अच्छा कम पैसे में होता है तो दोस्तों सबसे पहले वही किया करो। कंकर चिपकाने के लिए एडिसिल का इस्तेमाल होता है, और ये एडिसिल अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो अमेज़न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, इस वीडियो में जो भी सारे एडिसिल हमने इस्तेमाल किए हैं, वो सारे एडिसिल आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अमेज़ॉन से आप ख़रीद सकते हो बड़ी आसानी से। ये इसमें केयर करने वाली बात यह है कि जो हम एडिसिल लगाते हैं वो एडिसिल हमें पूरे टाइल्स में नहीं लगाना है। टाइल्स की जो बॉर्डर होती है, जो आखिरी धार होती है, वहाँ से एक या डेढ़ इंच छोड़ के लगाना है। अगर धार पर लगाओगे और एडिसिल थोड़ा आगे तक चला जाएगा तो इसके जॉइंट ख़राब कर देता है। तो पूरी धार तक एडिसिल गलती से भी मत लगाओ दोस्तों, इतना ख्याल रखना है। टाइल्स के पीछे जो ये हम दाने चिपका रहे हैं, उस दाने को हमें सबसे पहले ज़्यादा इकट्ठी मात्रा में नहीं डालना है, पहले कुछ कुछ दाने इस तरीके से डालने हैं, क्योंकि एडिसिल पर ये दाने कुछ कुछ जो गिरेंगे वो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो पहले इस तरीके से कुछ कुछ दाने डालने हैं, उसके बाद में कोई जगह बाकी तो रखनी नहीं है, ऊपर बहुत सारे डाल देने, जितने चिपक गए ज़्यादा उतना हमारा ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो दाने तो थोड़े ज़्यादा ही डालने, लेकिन पहले से ज़्यादा नहीं डालने, पहले इस तरीके से कुछ कुछ दाने ही बिखेरने हैं हमें। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपको इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, क्या करूँ, मेरी कोरोना की वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कोरोना तो मेरे को बहुत जल्दी रिपेयर हो गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में मैं समझ रहा था मुझे कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिसकी वजह से मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, और उसकी वजह से पूरे बदन दर्द करता रहता था, काम करने का मन ही नहीं करता है, उस वजह से वीडियो बहुत लेट हो गए। मेरे पास बहुत वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बनाना चाहता हूँ, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। गिरता नहीं है, चिपक गया है, देखो अब इसमें हाथ खींच के दिखाओ, जो निकल जाते हैं उसको निकाल दो, नहीं निकलते उसके दिखा दो, दो चार टाइल्स में अरे बढ़िया से चिपक गया है, दूसरी ले लो, अब बढ़िया चिपकी है साली, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था चिपकेगी, इतनी स्ट्रेंथ है, बहुत दाने चिपके हैं। इसमें सीमेंट बताया गया है, लेकिन हमने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, सीमेंट के साथ में हमने पॉलीमर एडेसिव का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर लेवल के लिए लगाई थी टाइल्स, आप देख सकते हो कितनी चिकनाई हो चुकी है, और इसमें से ये सीमेंट निकालना नामुमकिन है, आप देख सकते हो इसमें से कभी सीमेंट निकलता ही नहीं है, क्योंकि ये रफ इतना किया है, तो ये इफ़ेक्ट मिलती है, आप देख सकते हो सीमेंट का लेयर इतना बढ़िया होता है इसके पीछे, और ग्रिप भी बहुत अच्छे से चिपकी है, अच्छे से दबा के साफ करो कितना साफ होता है। यहाँ पर हमने रेगुलर टाइल्स एडिसिव में 50% पॉलीमर बेस वाइट एडिसिव का इस्तेमाल किया है। अगर हम डायरेक्ट ओनली टाइल्स एडिसिव से ये टाइल्स लगाते तो हमें उतना धूप में रिजल्ट नहीं मिलता इतना सब करने के बाद, और अगर सिर्फ पॉलीमर बेस में हम इंस्टॉल करते तो इसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती,
तो इसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए हमने 50% रेगुलर एडिसिल का इस्तेमाल किया, और इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने 50% पॉलीमर बेस का इस्तेमाल किया, ताकि कॉस्टिंग और क्वालिटी दोनों में से किसी में बार्गेनिंग नहीं करनी है। थोड़ी कॉस्टिंग भी कम हो गई और काम भी बढ़िया हो गया। केमिकल बसाने का मशीन दोस्तों आप देख सकते हो, टाइल्स इंस्टॉलेशन के लिए इस तरीके से आप एक ड्रिल मशीन में, ये आगे की बलोनी आती है 350 रुपये की, ड्रिल मशीन में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। दूसरी बड़ी आती है 550 रुपये की। केमिकल के इंस्टॉलेशन में पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई भी वॉल टाइल्स का इंस्टॉलेशन करना है किसी भी वॉल पर, तो उसको पानी डालना ना भूले। पानी डालने के बाद ही उसका इंस्टॉलेशन होता है। यहाँ पर हम एक एलिवेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर धूप भी आने वाली है और ये टाइल्स निकलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें छोटी सी छोटी गलती नहीं करनी है वरना टाइल्स निकल जाती है। तो आप देख सकते हो हमने सुबह में इसमें पानी अच्छे से डाल लिया था, अभी थोड़ा ये सूख के दीवार तैयार है इंस्टॉलेशन के लिए, पर ये आप देख सकते हो बहुत सारा पानी है, दीवार पर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ नीचे देखो अभी पानी सूखा भी नहीं है, तो पानी की पाइप से ही हमने इसको अच्छे से पानी डाल लिया है। Oh, God.